मैं मध्य प्रदेश हूँ, जानिए एमपी की कहानी खबरची बाबा की जुबानी। रविशंकर शुक्ल की मौत के बाद मध्य प्रदेश में सर्वसहमति वाली सियासत भी बदल गई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि रविशंकर के बाद दूसरे नंबर के नेता तखतमल जैन सीएम बने, लेकिन ऐसा हो न सका। बुजुर्ग नेता शंकरलाल तिवारी ने कार्यवाहक सीएम के लिए एक दूसरा ही नाम सुझा दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। भगवंत राव मंडलोई, यही वो चेहरा था जिसने रविशंकर शुक्ल की मौत के बाद कार्यवाहक सीएम के तौर पर शपथ ली। मंडलोई खंडवा से थे, वही खंडवा जहां अशोक कुमार और किशोर कुमार अपने शुरुआती सालों में रहे। मंडलोई वकालत से करियर शुरू करने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस से भी जुड़े, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले 50 साल उन्होंने खंडवा में ही लगाए। आज़ादी के बाद रविशंकर शुक्ल के कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद मिला, तब जाकर वो सूबे की राजनीति में उठे। इसलिए नए मध्य प्रदेश के दीगर नेता उन्हें अपने से काफ़ी जूनियर मानते थे, खासकर वो जो आज़ादी से पहले ही कांग्रेस में ऊपर उठ गए थे। इन्हीं में से एक थे कांग्रेस अध्यक्ष सेठ गोविंद दास, जिनके दिल्ली वाले बंगले पर रविशंकर शुक्ल ने आखिरी सांस ली थी। मंडलोई के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते ही एक संभावना पैदा हो गई कि अस्थाई मुख्यमंत्री पद भी महाकौशल के पास ही रहे, और महाकौशल से कौन, तो गोविंद दास कहते थे मैं। गोविंद दास के बेटे जगमोहन दास ने उन्हें टोका कि नेहरू शायद उन्हें लोकसभा में ही रखना चाहे, लेकिन सियासत में बाप बेटे के मायने भी बदल जाते हैं। उस दिन ऐसा ही हुआ। गोविंद दास ने अपने बेटे से सवाल कर दिया कि क्या छोटे बाबू, मैं आपके लिए अपना भविष्य नष्ट कर दूं? दरअसल ऐसा कहने की वजह थी, जगमोहन दास उपमंत्री रहते हुए मंडलोई के ही डिप्टी थे और उनसे उनकी बनती भी थी। अगर मंडलोई सीएम बनते तो वो कैबिनेट में पहुंच जाते, और यही वजह थी कि गोविंद दास को अपने बेटे जगमोहन पर शक हुआ। गोविंद दास जाकर तखतमल जैन से मिल गए और हाईकमान को यह बताने में जुट गए कि मध्य प्रदेश को एक सक्षम मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ी वजह बनी कि मंडलोई कार्यवाहक ही रह गए। और ठीक शपथ के 21वें दिन, उनके शपथ के 21वें दिन कैलाश नाथ काटजू को उनकी जगह भेजा गया।